कपास को थ्रिप्स से बचाएं। क्या विस्तारित बीज पत्र के पत्ते सिकुड़ जाते हैं और उभरे हुए कपास के अंकुर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? क्या वानस्पतिक अवस्था में पत्तियों के मध्य शिरा खुरची हुई और भूरे रंग की हो जाती है? क्या पत्तियां विचित्र आकार की हो जाती है? क्या पत्तियां ऊपर की ओर टेढ़ी और मुड़ी हुई दिखाई देती हैं? क्या परिपक्व पत्तियों में फटे छेद दिखाई दे रहे हैं? क्या गंभीर रूप से बौने पौधों में पत्तियां चांदी या पीतल की तरह हो जाती हैं? ये सभी लक्षण छोटे कीट थ्रिप्स के कारण होते हैं। थ्रिप्स को पत्ती के नीचे के लेयर को छीलने और कोशिका रस को चूसने की अनोखी आदत होती है। इसके लिए शुष्क नम मौसम और लंबे समय तक सूखे के साथ शुष्क मिट्टी की अवस्था ही अनुकूल स्थिति है। फसल को बचाने के लिए इसे शुरुआती अवस्था में कैसे पहचाने? पत्तियों को पलटे और मध्य शिरे पर खुरचने के लक्षणों को देखें। सफेद कागज पर पत्ती को झाड़े और ध्यान से देखें। अगर 8 से 10 थ्रिप्स दिखाई देते हैं तो इसे रोकने के उपाय शुरू करें। मिट्टी में नमी पर्याप्त होने पर छिड़काव करना चाहिए, अन्यथा सूखी मिट्टी पर गिरने वाले प्यूपा कम समय में बड़े हो जाएंगे और फसल को फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। अगर शुरुआती अवस्था में इसे रोका नहीं जाता है तो थ्रिप्स द्वारा खुरची गई पत्तियां जब पुरानी हो जाती हैं, तो उसमें नोचे हुए टेढ़े मेढ़े छेद दिखाई देते हैं। चांदी जैसे दिखने वाले पत्ते को परिपक्व होने में देरी होती है, जिससे बौनापन और उपज में हानि होती है। स्पिनेटोरम 11.7 SC 170 मिलीलीटर प्रति एकड़ या प्रोफेनोफोस 50 SC 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करके कपास को बचाएं। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से संपर्क करें। राशि सीड्स द्वारा किसान हित में जारी।